2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय और राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। यही नहीं, प्रदेश की मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में अभी लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। हालांकि जहां बीजेपी संगठन में कई बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, तो वहीं 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून दौरे पर पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो होने वाली है। चुनावी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी आपको बता दें, अगले साल की शुरुआत में यानी कि फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसी को लेकर जो वहां की दो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस पूरी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। तो ऐसे में 2022 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है। इसीलिए आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, जनता के बीच जा रही है, और तमाम अपने कामों का बखान तो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपनी पूरी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, लगातार देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, कमर कस चुकी है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है, कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से देखा जाए बड़े बड़े नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में जो जानकारी मिल रही है कि 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि चुनाव का जो बिगुल है वो उत्तराखंड में पूरी तरीके से बज चुका, और खासतौर से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उत्तराखंड की तरफ अपना रुख करने लगा है। खासतौर से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या फिर कहा जा सकता है पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और राजधानी देहरादून में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा जा सकता है कि पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ती है, और कहा जा सकता है कि इसका असर भाजपा के जो चुनाव है यानी कि 2022 का जो चुनाव है वो भाजपा पर नजर आएगा और उनको कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब चुनावी मोड़ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से कल बैठकों का दौर राजधानी देहरादून में हुआ, उनके कार्यालय में हुआ, और उसके बाद अब जो पहली सूची वो कांग्रेस निकालती है, लगातार ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो सूची होती है वो बहुत तेजी से वो पहली सूची जारी करती है और उन चेहरों को घोषित करती है चुनाव के मैदान पर जो कि उनके जिताओ कैंडिडेट होते हैं, और उस पर ही आज मंथन कांग्रेस भवन में आज किया जाएगा। तो कहा जा सकता है चुनाव का जो बिगुल है वो उत्तराखंड में बज चुका है और दोनों ही राजनीतिक जो दल हैं पहुंचते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, तो क्या अभी भी जनता के मन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकप्रियता है, या फिर उत्तराखंड में बीजेपी के कामकाज को लेकर वो वोट करेंगे, या फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पिछले 4.5 सालों से भाजपा प्रदेश में काम कर रही है, और खासतौर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर सिंह धामी, तो इन सभी के चेहरों को लेकर भी वोट जरूर जनता करती है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में जो नरेंद्र मोदी का क्रेज है वो बहुत ज्यादा संख्या में, और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, राजधानी देहरादून की जनसभाएं हो, या फिर श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र की जनसभाएं हो, जब भी उन क्षेत्रों में जनसभाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। और ये देखा भी गया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो कहा जा सकता है कि माहौल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है जब पीएम नरेंद्र मोदी के कोई दौरे उत्तराखंड की तरफ होते हैं। लेकिन देखना होगा कि 2022 में कांग्रेस किस तरीके का प्रदर्शन करती है, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से 11 सीटों पर सिमट कर कांग्रेस रह गई थी, उस तरीके की उम्मीद अब विपक्ष से करते हुए नजर नहीं आ रही है। आम जनता उम्मीद कर रही है कि विपक्ष भी विधानसभा के अंदर मजबूत होना चाहिए, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, गणेश कोटियाल हो,
कहा जा सकता है ये जो बड़े चेहरे हैं अभी इस समय वर्तमान में कांग्रेस में प्रदेश में वो किस तरीके का प्रदर्शन करता है, उनका संगठन किस तरीके से काम करता है और किन चेहरों पर वो चुनाव लड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, अनुमान देखा जाता है कि जी बिल्कुल, एक सीट पर लगभग चार चार जो प्रत्याशी है वो खड़े होते हैं और उन चार प्रत्याशियों में से एक को पार्टी जब चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहती है तो बाकी जो तीन प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं रूठे हुए नजर आते हैं, नाराज नजर आते हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को हर बार चुनाव में देखने को मिलता है। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस बार उन प्रत्याशियों को भी समझाती है और किस तरीके से इस बार चुनाव के मैदान में कांग्रेस पहुंचती है। जी बिल्कुल सुभाष, और कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी तो अपने विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ती है और बीजेपी की अगर अंदर की बात की जाए पार्टी के अंदर की तो नेताओं में कोई नाराजगी नहीं दिखती है, लेकिन कांग्रेस में चाहे वो उत्तराखंड हो या कोई भी राज्य ले लीजिए वहां पर अंदर कलह जो चलती है वो बहुत ज्यादा होती है, अपने अंदर ही विधायकों में मंत्रियों में नाराजगी काफी ज्यादा देखी जाती है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम जनता की सुभाष बात कर ली जाए तो क्या आम जनता बीजेपी की तरफ से इन 4.5 सालों में किए गए विकास कार्यों से खुश है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल पारुली, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, वो भाजपा के जो कार्यकाल है उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है। हालांकि जनता की अगर राय ली जाए तो जनता चाहती है कि प्रदेश में विकास जरूर हुआ है, केंद्र में विकास जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी, पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़े, सब्जी दालों के दाम बहुत तेजी से बढ़े, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा और कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भाजपा किस तरीके की घोषणाएं चुनाव को लेकर करती है, क्योंकि जो वादे 2017 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने किए थे उसमें से लगभग 50-60% जो घोषणाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री 3-3 प्रदेश में बदल दिए गए हैं, लेकिन जो मुखिया होना चाहिए था, जो विकास कार्य होने चाहिए थे, जो घोषणाएं भाजपा ने 17 में की थी वो अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जनता आखिरकार 2022 में किस पर चुनाव को वोट देती है और किन पर भरोसा करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि दो राजनीतिक दलों के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मैदान पर है। दिल्ली के तर्ज पर वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहती है और खासतौर से जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, इन मैदानी क्षेत्रों की बैल्टों में वो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की जो मॉडल है, चाहे वो स्कूल का मॉडल हो, हेल्थ सेक्टर का मॉडल हो, तो उन मॉडलों को वो उत्तराखंड में दिखा रही है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार भाजपा किस तरीके से चुनाव लड़ती है और इस बार जो विपक्ष में कांग्रेस है उनके नेता किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं, किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की रहती है, उसके बाद ही देखना होगा कि आखिरकार 2022 के चुनाव में कौन विजयी होता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कांटे की टक्कर जरूर 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। पारुल जी चलिए ठीक है, सुभाष आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और इसीलिए दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से आमने सामने हैं और पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरह जनता के बीच वो पहुंचे और जनता जो है उन पर अपना विश्वास जताए और 2022 में अपनी सरकार वो बना ले। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान अब आंदोलन पार्ट टू की तैयारी में जुट गए हैं। आंदोलन से जुड़े किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कल किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने जा रहा है और उससे पहले आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बुधवार को ही मंजूरी दे दी। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा और आगे की रूपरेखा 27 नवंबर को तय की जाएगी। टिकैत ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार के दावों को लेकर भी प्रदर्शनकारी उससे सवाल करेंगे। टिकैत ने ट्वीट किया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, 27 नवंबर को हमारी बैठक के है जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। मोदी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी तो हम पूछेंगे कि कैसे दुगनी होगी। किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। हालांकि राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के प्रतिनिधि और किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मंत्रिमंडल से मिली
मंजूरी को बड़ा दिन करार दिया और कहा कि इससे सरकार का रुख आधिकारिक हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से आंदोलन पार्ट टू की तैयारी जो है वो करते हुए किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी किसान जो है उन्होंने कह दिया है कि हम बॉर्डर से नहीं उठेंगे और किसानों का क्या कुछ कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र गौतम। जितेंद्र, जिस तरह से देखा जाए गाजीपुर बॉर्डर पर आप अक्सर जाते हैं और पहले दिन से आप इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, तो अब भी देखिए किसानों के मन में कहीं ना कहीं नाराज है। और आज की बात की जाए तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि किसान अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ या अलग अलग बॉर्डर्स की तरफ पहुंच रहे हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर जब से किसान आंदोलन शुरू है आज तक, आज 364 दिन हो चुके हैं और कल 365 दिन हो गए, यानी कि कल जो है गाजीपुर बॉर्डर पर एक साल की वर्षगांठ बनाई जानी है। जिसको लेकर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए जो कि किसानों का गढ़ कहा जाता है, वहां से जो किसान है लगभग एक जिले से 30 से 35 ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं और तमाम जिले ऐसे हैं जहां से किसान लगातार बढ़ रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और कल जब किसान पूरे वहां पर पहुंचेंगे तो दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक साल में जो इन्होंने अपने जो प्रदर्शन किया है, जो उनका आंदोलन रहा है, कितने लोग शहीद हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये एक बैठक की जाएगी। और उसके बाद परसों की अगर बात की जाए 27 नवंबर की, तो संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होनी है जिसमें 29 नवंबर के रास्ते को लेकर जो है अहम फैसले होंगे। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए बैठक 27 नवंबर को की जाएगी, 29 नवंबर की तैयारी भी किसान लगातार कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र जब संसद का शुरू होगा तो वहां पर हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन राकेश टिकैत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन अब किस बात की नाराजगी, किस बात के लिए किसान अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए तीनों कृषि कानून तो सरकार ने वापस ले लिया और कल भी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए इस चीज को राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों को जो सपोर्ट कर रही है वो आरएलडी पार्टी है और आरएलडी पार्टी का जो कनेक्शन है वो जो कहा जा रहा है कि गठबंधन जो होगा वो समाजवादी पार्टी से हो सकता है, जबकि जिसको लेकर सारी चीजें तैयारी भी हो चुकी है। और अगर आरएलडी की बात की जाए तो जयंत चौधरी राकेश टिकैत से पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कृषि बिल वापिस लिए गए जिसकी घोषणा की जा चुकी है, हालांकि जो लिखित है वो भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लगा कि कृषि बिल अभी वापिस ले लिए हैं और 2022 के जो विधानसभा चुनाव यानी कि जितेंद्र कहीं है जितेंद्र, यानी कि ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन किसानों में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो अपने कंधे बंदूक नहीं रखकर किसानों को आगे कर रहे हैं और किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना जो उनका चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव उसको लेकर अपनी सीटों को खंगाल रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, पहले भी उनका गठबंधन रहा है लेकिन सीटें कुछ खास नहीं मिली है। अगर 2019 की बात की जाए तो भी वहां भी मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इस बार जो जाट है, खासकर इसको जाट लैंड भी कहा जा सकता है और चुनाव भी आ चुके हैं, तो वो इस चीज में है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट है, क्योंकि वोट बैंक जाट लैंड को वोट बैंक भी कहा जा सकता है, वो समाजवादी की तरफ होता हुआ दिखाई दे, जिसके चलते इस आंदोलन को जो है बड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और अब क्या कुछ आगे किसानों की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए आपकी भी किसानों से बातचीत होती रहती है। अब किसान 27 नवंबर की बात कर रहे हैं कि वहां पर आगे की रणनीति तय की जाएगी, तो उस दिन क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बातचीत होगी या 29 नवंबर की तैयारी की जाएगी? देखिए इसमें जब अभी जो पंजाब से जो जत्थे हैं उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, अब जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश इसमें फंसा हुआ है। अगर अंदर की बात की जाए अब उसमें ये देखना होगा कि जिस तरह से पंजाब की बात की जा रही है, पंजाब में कैप्टन हरमिंदर सिंह जो कि किसान नेता भी कहे जाते हैं, सीएम भी रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ होते हुए जा रहे हैं,
ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सिंधु बॉर्डर है वो जल्दी खाली हो सकता है, लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है अब वो दूसरे किसानों को देख रहे हैं कि हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं, और जबकि पंजाब में एमएसपी पूरी तरह से किसानों को मिल रही है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एमएसपी की बात जो है वो पहले के मुद्दे रहे और आज भी वो मुद्दे बरकरार है। तो कहीं नहीं कहा जा सकता है कि किसानों के अंदर जो है आपसी जो उनकी आपसी सहमति है वो भी ना बने, इस वजह से 27 तारीख की मीटिंग रखी गई है कि 29 तारीख को जो होना है उसको किस तरह से वो दिल्ली में कूच करेंगे, संसद में किस तरह से पहुंचेंगे, या फिर 26 जनवरी जैसी घटना ना हो जाए इसलिए अपने आप को पीछे रखेंगे। ये तमाम मुद्दों पर बातें की जाएंगी। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि किसानों की तरफ से अभी भी साफ कर दिया गया है कि किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से अभी भी नहीं हटेंगे और अभी भी वो बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी तमाम मांगे हैं जो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विपक्ष भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद नजदीक है और किसानों का मुद्दा बनाने की विपक्ष पहले दिन से ही कोशिश करता आ रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं किसानों के बीच में ये बात कही जा रही है कि 2022 के चुनाव के बाद फिर से सरकार ये बिल वापस ला सकती है, इसीलिए किसान जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम तीनों कृषि कानून रद्द करते हैं। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक भी हुई, इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग गई। अब जब संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा तो पहले दिन ही बिल वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन किसान आगे क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात है और ये समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।